नमस्कार। आज हम बनाएंगे चावल के खिचिया पापड़। इन्हें हम एक बार बनाकर सुखाकर रख ले, पूरे साल भर तक जब चाहे तल कर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। चावल की खिचिया पापड़ बनाने के लिए हमने ये 1 कप चावल का आटा ले लिया है। सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे, तो उसके लिए हम पानी गर्म करेंगे। 1 कप हमने चावल का आटा लिया है, हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। और पानी में हम 1/4 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच तेल, 1 छोटी चम्मच पापड़ खार। पापड़ खार नहीं हो तो 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। पानी में उबाल आने देते हैं। पानी में उबाल आ गया है, फ्लेम बंद कर देते हैं और ये आटा पानी में डाल देंगे। मिला देते हैं। इसे हम ढककर 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम ये आटा प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें तेज़ भाप आ रही है, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, ज़्यादा ठंडा हो गया तो डो बनना मुश्किल हो जाएगा। अभी ये गर्म है लेकिन हाथ से छुआ नहीं जा रहा है, तो मैं इसे चमचे से ही थोड़ा सा मसल लेती हूँ। तब तक हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसका डो बना लेते हैं। तो ये डो फॉर्म में आ गया, गुठलियाँ हमने ख़त्म कर ली। अब हम इसे 4 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 और ये और 2, 2 इस तरीके से। अभी इस आटे को हमें स्टीम करना है, पकाना है। ये डो को स्टीम करने के लिए हमने ये बर्तन ले लिया और इसमें हम 2-2.5 कप पानी डाल देंगे। ढक देते हैं, इसमें उबाल आने देते हैं। और ये छलनी जिसमें हम इस डो को स्टीम करने रखेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कर लेते हैं। और ये डो जो हमने 4 भागों में डिवाइड किया था, उसका एक पार्ट उठा लेंगे, गोल कर लेंगे, दबाकर थोड़ा चपटा करेंगे और इसमें ये होल कर लेंगे। डो जल्दी पक जाता है और ये छलनी में रख लेते हैं। तो ये चारों डो को हम ऐसा ही बना लेते हैं। पानी में उबाल आ गया, ये छलनी को बर्तन के ऊपर रख देंगे और इसे ढक देंगे। और अब हम इसे 25 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर पकने देंगे। 25 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम बंद कर देते हैं। और हमारे ये आटा भी पककर तैयार है। थोड़ा पहले से कलर भी चेंज हो गया है। तो ये आटे के गोले हम इस थाली में रख लेते हैं। अब हम इसे गरम गरम में ही कटोरी की हेल्प से मस लेंगे। अब थोड़ा सा तेल हाथ पर लेके इसका एकदम स्मूथ डो बना लेंगे। ये देखिए एकदम स्मूथ डो बन गया, बिल्कुल भी गांठें नहीं रहनी चाहिए डो में। थोड़ा सा डो लेते हैं और लंबाई में इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। देखिए हम पापड़ थोड़े से छोटे साइज के ही बना रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े पापड़ बना लें ये तलने के बाद में भी बहुत बढ़ते हैं। ये लोइयों को हम कैसरोल में ही रखेंगे ताकि ये जो आटा है हमारा सूखे ना। कैसरोल को तुरंत बंद कर देंगे। पापड़ बेलने के लिए हमने एक ये मोटी पॉलीथीन ले ली है, इस तरह के डबल करके। और सुखाने के लिए हमने एक ये पॉलीथीन ले ली है, इसके ऊपर हम सुखाएंगे। इन्हें आप कोई भी धुली हुई चादर बिछाकर उसके ऊपर भी सुखा सकते हैं। तो हम पापड़ बेलना शुरू करते हैं। ये पॉलीथीन जो लिया हमने, उसको इस तरीके से खोलेंगे और चकले पर बिछा लेंगे। और इसमें से हम एक ये आटे का टुकड़ा लेंगे, इसे अच्छे तरीके से मसलते हुए गोल करेंगे। ये देखिए बिल्कुल पेड़ा जैसा बना लिया हमने। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा तेल लगाना होगा। तेल की साइड नीचे कर दी और ऊपर थोड़ा सा तेल और लगा लिया और इसको ऊपर से कवर कर दिया। हाथ से थोड़ा सा दबाया
और अब हम इसे चाहें तो हाथ से भी बेल सकते हैं, जैसे आलू के पापड़ बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम इन्हें भी बेल सकते हैं। तो ये हम पहला पापड़ हाथ से बेल ले रहे हैं। पापड़ को पतला बेलना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है कि एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो उसमें पापड़ फटने का डर हो जाता है। ये देखिए, उंगली से हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं इसे, किनारों को भी एक जैसा करते जा रहे हैं और बीच में से भी बढ़ा रहे हैं। ये पापड़ हमने बेलकर तैयार कर लिया। अब इसे सुखाने के लिए दूसरे वाले पॉलीथीन पर ट्रांसफर करना है। तो पहले इसे हम खोलेंगे। इस तरीके से पापड़ वाली साइड को पॉलीथीन के ऊपर करते हुए हाथ से ऐसे पापड़ को दबा लेंगे, थोड़ा सा किनारे से पॉलीथीन को उठाएंगे और ये देखिए बड़े आराम से ये निकल जाती है। ये हमारा पापड़ पॉलीथीन के ऊपर चला गया। तो इसी तरीके से हम वन बाय वन सारे पापड़ बेल लेंगे। इसे हम बेलन से बेल लेते हैं, लेकिन हाथ से पहले थोड़ा सा दबाकर जरूर बढ़ा देंगे। एकदम से बेलन दबाकर पापड़ के ऊपर चलाएं तो किनारे फट जाते हैं, और जहाँ भी जरूरत लगे इस तरीके से आप इसे हाथ से बढ़ा लीजिए। बेलन से बेलते समय बहुत हल्का प्रेशर लगाना है, एकदम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो पापड़ उसी जगह से पतला हो जाएगा। ये हो गया तैयार। ये सारे पापड़ हमने बेलकर और पॉलीथीन पर डाल दिए हैं। अब हमें इन्हें सुखाना है, तो हम ये पॉलीथीन जाकर धूप में रख देंगे। अगर धूप नहीं है तो इसे किसी भी टेबल या बेड पर रख दीजिए और पंखा चला दीजिए, उसमें भी ये सूख जाएंगे। 2 घंटे बाद पापड़ को चेक जरूर करना है। जब ये हल्के से सूख जाए तो इन्हें पलटना है। धूप में तो 2 दिन की धूप में पापड़ अच्छे तरीके से सूख कर तैयार हो जाते हैं। पंखे में हो सकता है 3रा दिन भी पापड़ को सूखने में लग जाए। तो अब हम इन पापड़ों को सूखने के लिए रखाते हैं। 2 दिन में पापड़ सूखकर तैयार हो गए हैं, हम इन्हें तल सकते हैं। हमने 1 कप चावल के आटे से ये पापड़ बनाए थे, 30 पापड़ बने हैं। तो तलने के लिए हमें चाहिए तेल, वो हमने पहले से गरम करने रखा हुआ है। तेल गरम हो गया है, हमें पापड़ तलने के लिए अच्छा गरम तेल चाहिए और फ्लेम भी तेज चाहिए। तो एक पापड़ डालते हैं पहले। पापड़ अच्छे बड़े हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे तलकर तैयार हो रहे हैं। ये पापड़ हमने तल लिए, पापड़ सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रंची पापड़ बने हैं, और इन्हें और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला इनके ऊपर छिड़क देते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। इन्हें बनाना आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। जब आप आटे से डो बना रहे हैं उसको स्मूथ बनाइएगा, और उससे गोले बना करके पकने रखें तो उन्हें अच्छे तरीके से पकने दीजिए 25-26 मिनट तक। अगर वो कच्चे रह जाएंगे और फिर आप उससे पापड़ बनाएंगे तो पापड़ में बीच में चिरे चिरे निशान आ जाएंगे, एकदम गोल अच्छे पापड़ नहीं बनेंगे। और ये पापड़ आप किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए, पूरे साल भर तक खाए जा सकते हैं। जब भी आपको पापड़ खाने हो, आप सब्जी बनाने से पहले जो कढ़ाई है उसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए, पापड़ तल लीजिए और बाद में सब्जी बनाइए और जी भर के खाइए। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।